Honored Even, BJP has said that the talk between Prime Minister Narendra Modi and his Pakistani counterpart Nawaz Sharif was a breakthrough moment. Congress has said that Nawaz Sharif alone can do little as the army and the ISI called the shots on the other side of the border. The meet between Nawaz Sharif and Modi was the first structured meeting since May 2014. They held bilateral talks ahead of the Shanghai Cooperation Organization summit in Russia. Following the meeting, the foreign secretaries declared that Modi will visit the SAARC summit to be held in Islamabad in 2016. Both sides have also resolved on ways and means to expedite the 2611 Mumbai attacks trial. देखिए नवाज शरीफ साहब के बदलाव लाने से कुछ नहीं होगा. पाकिस्तान में जो डिसाइडिंग फोर्स है वो वहाँ की फौज और ISI है. वो कितना इनको आगे बढ़ने का मौका देती है इस पर डिपेंड करता है. मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ अकेले भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे. The talks came just a day after fresh round of firing between both nations across the line of control. ये वही सरकार है जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे. ये वही सरकार है जो हमेशा ये कहती थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे. और आज 56 इंच का सीना का दावा करने वाले प्रधानमंत्री बगैर किसी वजह के नवाज शरीफ साहब को मिलने की दावत दे रहे हैं. हम जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके नतीजे में प्रधानमंत्री को आज नवाज शरीफ को बात करने के लिए न्योता देना पड़ा. होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह वेलकम द अनाउंसमेंट्स मेड टुडे. आज इस बातचीत के बाद पाकिस्तान ने मान लिया है कि इस ट्रायल को एक्सपेडाइट करना चाहिए, करना होगा. और दूसरी जो वॉइस सैंपल्स हैं जिसके बेसिस पे हमने लश्करे तैयब के खिलाफ जो केस बनाया था, जो सबूत दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान वो भी मान चुका है कि हाँ अब वॉइस सैंपल्स को हम एक्सचेंज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे. और यही कारण है कि अब थोड़ी सी एक रोशनी की झलक रिलेशनशिप में आ रही है. क्योंकि पहली बार पाकिस्तान ने जो हमारी डेफिनेशन है टेररिज्म की, कि टेररिज्म सिर्फ एक नापाक, एक ईवल, और टेररिज्म के बीच में आप किसी तरह का नुआंस नहीं रख सकते हैं, ये पाकिस्तान ने मान लिया है. और जो फ्रेज पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है हमारा, वो है Terrorism in all its forms. Powered by NNIS.